हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस चल रही है, जिसमें लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड की जा रही है। दोस्तों, ईडी की बहुत मांग थी, उसके आधार पर मैंने दोस्तों ईडी की आपके लेटरिंग अर्थात ABCD जो टेक्निकल में लिखा जाता है, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक के द्वारा देख सकते हैं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये सीमा हम इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। तो आप दोस्तों ईडी की जो वीडियो है आप देख लीजिएगा। हमने उसमें दोस्तों उसके पहले दोस्तों आपको ब्लॉग बनाना, टाइटल ब्लॉग बनाना बताया था, और उसके दूसरे जस्ट जो वीडियो अभी अपलोड हुआ है वो आपका अपलोड हुआ है दोस्तों, कि आपको कैसे लेटरिंग ABCD लिखना है। तो ईडी के दोस्तों आप वहां पर से वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये आपका हम मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपका सीमा अर्थात लिमिट का पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। मेरे दोस्तों का कमेंट भी आया है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पर जाइए, हमने क्रम से सभी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ईडी सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं सीमा लिमिट के पार्ट 3 की। तो दोस्तों पहला आपका, हम इसमें कुछ दोस्तों का ये कमेंट आया था कि सर इसमें आपने फार्मूले नहीं बताए, तो हम आइए दोस्तों पहले आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बता देते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला फार्मूला आपका यही आता है सम मेन। आपको लिमिट्स की बात करें तो आपको लिमिट एक्स टेंड टू अगर 0 साइन एक्स अपान एक्स दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू सदैव आपकी 1 होती है। कितना दोस्तों, 1 होती है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 होती है। दूसरा फार्मूला ये आता है दोस्तों, अगर लिया देखा है आपको दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 1+a/x के होल पावर एक्स की इक्वल e^x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो लिमिट्स के हम आपको बता रहे हैं, ये सब फार्मूले आपको याद रखना है, या आप दोस्तों इसका आपको एक्सपेंशन भी, आपको कुछ हम एक्सपेंशन भी बताएंगे कि एक्सपेंशन इसका विस्तार कैसे किया जाता है, उनको भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर दिया है लिमिट एक्स टेंड टू 0 a^x-1/x इक्वल टू कितना आएगा, लॉग ए। कैसे आता है दोस्तों ये आप देख लीजिए, इसका फार्मूला दोस्तों होता है आपका 1+x लॉग ए। किसका दोस्तों, a^x का जो एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, वो होता है 1+x लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इस तरह आप इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो आपका 1+1-1 कैंसिल हो जाता है, अपान में x होता है, तो x कैंसिल, बचेगा कितना दोस्तों, लॉग ए बचेगा। तो इसी प्रकार आप यहां पर इसीलिए फार्मूला बना है आपका लिमिट एक्स टेंड टू 0 a^x-1/x इक्वल टू लॉग ए। चौथा फार्मूला आपका दोस्तों है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 log 1+x/x इक्वल 1। तो आपको यहाँ पर भी आपको log का एक्सपेंशन करके आपको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1। इन सभी फार्मूले को आप याद भी कर सकते हैं और एक्सपेंशन करके आप दोस्तों लगा भी सकते हैं। पांचवा फार्मूला ये दोस्तों, अगर आपको ये फार्मूला आप याद रखेगी कि ये आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता तो ये फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर दिया है लिमिट एक्सटेंड टू ए x^n-a^n/x-a, तो आपका फार्मूला जो बनता है वो आता है दोस्तों n(a^n-1)। कितना दोस्तों, n(a^n-1)। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, n(a^n-1)। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, x की जगह पर x रहेगा, बस a की जगह पर आपको वैल्यू चेंज हो जाती है, बस उसी को आपको हल करना होता है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप कर सकेंगे। दूसरों अगला पॉइंट का ये आता है, हम आपको सम मेन एक्सपेंशन बताने वाले हैं कि इन सीरीज में आपका क्या होगा एक्सपेंशन, मतलब विस्तार क्या होता है। तो आपको याद रखना है साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है दोस्तों विस्तार, x-x³/(3+x^5)/(5), कहाँ तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक। तो आपको अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन, वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक्सपेंशन के आधार पर ही लगा सकते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपेंशन याद रखना है कि आपका विस्तार क्या होगा, साइन एक्स का होता है x-x³/(3+x^5)/(5), इस कहां तक दोस्तों, इनफाइनाइट तक, जितना आपको यूज करना उतना आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है कि cos x का क्या होता है, तो cos x का होता है 1-x²/(2+x^4)/(4)। आपको दोस्तों एक याद रखना है कि जो साइन एक्स होता है उसमें जो होती है वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, और इसमें आपका इवन नंबर होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो साइन एक्स होता है, बस लेकिन यह भी ध्यान रखिए इसमें x से शुरुआत होता है साइन में और कॉस में 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको
इसको आप याद रखिएगा, दोनों में माइनस प्लस तो दोनों में होता है, लेकिन साइन में एक्स और कॉस में वन से स्टार्ट होता है। और दूसरा पॉइंट ये याद को रखना है कि ये आपका साइन होता है उसमें एक्स क्यूब एक्स पावर फाइव अर्थात इसमें ऑड नंबर है, विषम संख्या होती है, और कॉस में सम संख्या होती है। जैसा देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर है, ठीक है, तो कॉस एक्स का हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपका है टेन एक्स, तो टेन एक्स होता है इक्वल एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस दो बटे पंद्रह एक्स पावर फाइव। दोस्तों इसको आपको याद रखना है, ये सभी फार्मूले आपको एक्सपेंशन है, आपको दो चार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे, कोई इसमें आपको याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद, बस समझने की जरूरत है कि साइन एक्स में आपको ऑड होता है, ठीक है, और कॉस एक्स में इवन होता है, ठीक है, आपको ऐसा याद रखना है। और फिर उसके बाद आपको टेन की बात करें तो टेन आपका होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टो एक्स, यहाँ पर ये बात देखिए यहाँ पर इसमें फैक्टोरियल है लेकिन टेन में आपको फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पर सिंपल है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस दो बटे पंद्रह एक्स पावर फाइव डॉट इनफाइनाइट तक। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको याद रखना है, विस्तार क्या होता है, उसका होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ई के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री तक, ये होता है आपका कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। अगला दोस्तों आपको याद रखना है लॉग वन प्लस एक्स का, जैसा कि आपको अभी ऊपर था आपका दोस्तों यहाँ पर लॉग वन प्लस एक्स, ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि एक्सपेंशन अगर आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप कर सकेंगे। तो आपका लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर बाई फोर डॉट कहाँ तक दोस्तों, आपको ये दिया है इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू जो है मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन अर्थात जो इसकी एक्स की वैल्यू होगी वन से छोटे के लिए है, ठीक है। तो लॉग वन प्लस एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, यहाँ पर विशेष यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर फैक्टोरियल आपको नीचे नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप टू थ्री फोर दिया गया है, तो ऐसे आप याद सकते हैं, ठीक है। हमने आपको साइन का बताया, कॉस का टेन का ज़्यादातर यही यूज होता है, साइन कॉस टेन और ई के पावर एक्स, तो इन चारों को आप अच्छे से याद रखिएगा और ये आपको फार्मूले तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ये पार्ट थ्री में दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर आपने अभी पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से देख सकते हैं या आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्रम वाइज देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए 5 अगस्त 2019 से लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है, तो आप वीडियो को दोस्तों क्रम वाइज देखें, मैंने आप चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस पर सभी वीडियो अपलोड की है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कि फाइंड द वैल्यू लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स पावर ए एक्स पावर फोर माइनस ए के पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको क्या करना है आपको यहाँ पर समझना होगा। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर ए की वैल्यू, अब आपको कैसे करेंगे इसको, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंड टू ए दिया है तो आप यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, चूंकि अगर आप एक्स की जगह पर ए रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ए के पावर फोर ऊपर हो जाएगा, माइनस ए के पावर फोर हो जाएगा, ऊपर भी जीरो हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप दोस्तों इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जीरो हो जाएगा, जो कि आपका कोई भी आंसर ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां x है वहां पर हम रखते हैं, जहां आपको x tend to a रखना होता है वहां पर हम रखेंगे x equal क्या रखेंगे a plus h रखेंगे। तो आपको सिंपली जहां x है वहां पर आपको a plus h, h की वैल्यू बहुत ही जीरो, आपको क्या मानेंगे h tend to, आप क्या मानेंगे दोस्तों जीरो मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर जीरो रखेंगे तो h x equal कितना आ जाएगा a आ जाएगा। तो आपको सिंपली दोस्तों x की जगह पर a plus h रखना है, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से आपको समझा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पहले आप पूरा क्लियर के साथ इसको भी समझ लीजिए, तो आपका x की जगह पर a plus h रखा गया, तो आपका x पावर 4 है तो a plus h का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a के पावर 4 ही रहेगा आपका सिंपली, ठीक है। फिर आपका दोस्तों नीचे क्या होगा, a plus x का ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या लिखना होगा, ए प्लस एच का होल पावर फोर दिया है माइनस ए स्क्वायर दिया है, ठीक है, और नीचे आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे जो सिंपली है उसको हम ओपन करते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच होगा, तो आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा टू एच प्लस एच स्क्वायर बचेगा, कितना दोस्तों टू एच प्लस एच स्क्वायर आपका बचेगा। और यहाँ इसको दोस्तों आप सिंपली ओपन करेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके भी ए प्लस एच का होल स्क्वायर फोर को ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा फोर ए क्यूब इंटू एच प्लस सिक्स ए स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस फोर ए एच क्यूब प्लस एच पावर फोर। मतलब दोस्तों आप यहां पर एक पावर फोर
ए प्लस एच को पावर फोर माइनस ए पावर फोर, इसका फार्मूला यूज करके आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपका इतना आता है, तो आपको सिंपली इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे आप देखेंगे तो दोनों में एच एच नीचे कामन है और ऊपर भी आपका एच कामन है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर कामन से लेंगे, ऊपर बचेगा फोर ए क्यूब, फिर सिक्स ए स्क्वायर एच, फोर एच स्क्वायर एच क्यूब अपान टू ए एच, ठीक है। एच एच कैंसिल चुकी हो गया, अब आपका दोस्तों एच एच टेन टू आप जीरो रख सकते हैं। तो जहां जहां एच है वो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सभी पार्ट जीरो हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, फोर ए क्यूब अपान टू ए। अब इसको टू से टू कैंसिल करेंगे, ए से ए स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, टू ए स्क्वायर। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसमें आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना था, आपको सिंपली इसमें दोस्तों ए की एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखना था, फिर इसको आपको फार्मूले को सिंपली पुट करना था और एच स्टैंड टू जीरो रखना था, आपका आंसर टू ए स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम जितने बता रहे हैं आपको दोस्तों, अगर आप ऐसे ही लगाते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आंसर, आप पेपर्स में अच्छा नंबर गेन कर सकेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर क्वेश्चन की करते रहिए, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नेक्स्ट है आपका, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन टू एक्स अपान साइन थ्री एक्स। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जो साइन टू एक्स अपान थ्री एक्स का निकालना है, इसके पहले जस्ट बताया कि साइन एक्स और कॉस एक्स टैन एक्स की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। तो साइन एक्स का होता है दोस्तों एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फाइव वन फैक्टोरियल फाइव डॉट डॉट इन्फाइनेट तक है। टैन एक्स का एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस दो बटे पंद्रह एक्स पावर फाइव डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों, इन्फाइनेट तक। तो ये आपको विस्तार अगर आप याद रखेंगे, एक्सपेंशन याद रखेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर सिंपली पुट करना है। तो यहाँ तक था साइन एक्स और यहाँ है साइन टू एक्स, तो जहाँ यहाँ एक्स है वहाँ पर आप सिंपली बस आपको क्या करना है, टू एक्स रखना है, ठीक है। तो एक्स यह है तो हमने यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर टू एक्स है इसलिए हमने यहाँ पर टू एक्स रखा, फिर टू एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल थ्रू प्लस टू एक्स पावर फाइव होल पावर फाइव अपन फैक्टोरियल फाइव। नीचे आपको दोस्तों दिया गया है क्या, टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस दो बटे पंद्रह एक्स पावर फाइव। तो आपका जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, थ्री एक्स रखेंगे, तो 3x हो गया, 3x क्यूब बाई फैक्टोरियल, 3x क्यूब बाई 3 हो गया, फैक्टोरियल इसमें नहीं होगा दोस्तों, प्लस 3x होल पावर 5.2 बटे 15 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप tan x और sin x और tan x का फार्मूला आपको याद होगा एक्सपेंशन का, तो अब बस आपको दोस्तों जहां x है वहां पर 2x दिया इसलिए 2x 2x रखना है, और जहां पर आपको x दिया गया था वहां पर, यहां पर 3x है इसलिए tan के फार्मूले वहां पर 3x रखेंगे। अब अगला पॉइंट ये बनता है, अगला पॉइंट आपका क्या बनता है, आपको इसका ओपन करना होगा, तो 2x का तो 2x रहेगा, इसका हो जाएगा 4x क्यूब, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर आपका फैक्टोरियल 3 दिया है, तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 होता है, कितना होगा, 3 इंटू 2 होता है, लेकिन आपका ऊपर कितना आएगा, 8 आएगा, इसलिए यहाँ पर दोनों कैंसिल कर दिया गया, एडवांस में कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपका 2 बटे 15 आएगा, 2 के पावर 5 आएगा, नीचे आपका कितना फैक्टोरियल 5 दिया है, कितना दोस्तों, फैक्टोरियल 5, मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1 लिखा जाता है, ठीक है, 5 4 3 2 1 लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप इसको हल करेंगे दोस्तों, तो आपका सिंपली ये भी आपका आ जाएगा 2/5, आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 3 2 1 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 4 3 2 1 ऐसे आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको 2x हो जाएगा, 4x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ओपन करने के बाद आपको ऊपर नीचे x कामन लेना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ ऊपर नीचे कामन लेते हैं, तो आपका ऊपर जब कामन लेंगे तो यहाँ पर x x इससे दोनों से जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x पावर 5 के x पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको दोस्तों कितना बचेगा, ये आपका बचेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एक्सटेंड टू जीरो दिया गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या करना है, जीरो रख देना है। जैसे ही इस वैल्यू पर आप पूरे में जीरो रखेंगे तो बचेगा कितना, 2/3, क्योंकि x का गुणांक 2 और 3 का गुणांक नहीं है, इसलिए कितना बचेगा, 2/3, जो कि आपका 2/3 आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, यहां पर sin x और tan x का आपको एक्सपेंशन करना था, उसके बाद दोस्तों इसका स्क्वायर का ओपन करना था, उसके बाद x को कॉमन लेना था और x tan 2 0 वैल्यू जहां जहां x है वहां पर 0 रखकर 2/3 आपको आंसर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
जो कि भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया है कि अंडर रूट 2n स्क्वायर माइनस 3 प्लस अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 9n स्क्वायर प्लस 4 माइनस अंडर रूट 4n स्क्वायर प्लस 9। दोस्तों इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपका इसके जस्ट बाद आपका दोस्तों कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा, सत्ता जो होगी, और उसके बाद दोस्तों आपका अवकलन जो स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन, वो बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको दोस्तों एक बार क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेंगे तो दोबारा उस क्वेश्चन को या उस टाइप के क्वेश्चन को लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप दोस्तों अवकलन का जो वीडियो अपलोड होगा डिफरेंशिएशन का, उसको बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, मैं उसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि सभी वीडियो में आपको अच्छे समझाने की, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट को उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और खासतौर दोस्तों जो टेंथ से होंगे उनको ज्यादा वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए उस वीडियो को जो अवकलन का पार्ट होगा, चूंकि बड़ा पार्ट होता है, उसमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको फुल एनालिसिस के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें दोस्तों आपको सभी में एन स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, एन स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, तो आप इसमें अगर एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए, यहां करेंगे तो 2/3 एन स्क्वायर बचेगा, यहां पर करेंगे तो 3+2/n स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहां पर भी करेंगे दोस्तों तो आपका 9+, क्योंकि स्क्वायर से एन स्क्वायर से डिवाइड करना है, सभी के रूट के अंदर क्या करेंगे, एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहां बचेगा 9+4/n स्क्वायर, कितना 4/n स्क्वायर, और यहां पर माइनस लगा तो सिंपली हमने माइनस लगाया, उसके बाद दोस्तों 4n स्क्वायर है तो n स्क्वायर से करेंगे तो 4+9 बाई कितना एन स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पर जैसे ही आप करेंगे आपको सिंपली फिर क्या करना है, एन स्टैंड टू इनफाइनाइट दिया है, सिंपली आपको क्या लिखना है, एन स्टैंड टू इनफाइनाइट आपको रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए किसी 1/0 तो आपका इनफाइनाइट होता है, लेकिन दोस्तों आपको पता हो 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो सदैव ध्यान रखिए इसको कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन आपका 1/∞ आपका 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जैसे 3/1 हो या 4/ हो, कुछ भी हो, अपान में अगर इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार अगर आप 3/∞ एन स्क्वायर की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो आपकी क्या हो जाएगी, 3/∞ अर्थात ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये पार्ट्स आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा कितना दोस्तों, ये बचेगा √2, ये उसके बचेगा +√3, ये बचेगा दोस्तों √9, ये फिर -√4, ये आपके ये पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसको पता होना चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं 3-2, इसका रूट निकालेंगे, 9 का 3 होगा, इसका 2 होगा, 3-2 का कितना बचेगा, 1, तो ऊपर वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा, √2+√3, यही दोस्तों आपका आंसर है। आशा करते हैं दोस्तों ये कोई क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहां पर कुछ भी नहीं करना था आपको, सिंपली सभी रूट के अंदर एन स्क्वायर से सबको डिवाइड करना था, उसके जस्ट बाद आपको एन स्टैंड टू इनफाइनाइट अर्थात जहां जहां एन है वहां पर इनफाइनाइट पुट करना था, ये वैल्यू आपकी सभी 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका 1/∞ या 3/∞ या 4/∞ या 9/∞ ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, किसी को इनफाइनाइट से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। तो इसलिए आपका बचेगा √2+√3 अपॉन √9-√4, 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा √2+√3। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों मैं आप फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने ईडी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, और आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को आप जरूर देखेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जो बताएं। धन्यवाद।